इंतहा हो गई इंतजार की। तुम अपने पापा को क्यों लेके आए हो? यार मैंने तुम्हें बताया था फैमिली फंक्शन है और मेरे पापा ही तो हैं, उनसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो हम रिलेशनशिप में आए हैं और अभी से ही तुम्हारे पापा हमें स्पेस नहीं दे रहे। शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और वो मेरे पापा हैं और तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए उनको छोड़ दूँ? एग्जैक्टली, तुम्हें अब चूज करना ही होगा कि तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ रहना है या मेरे साथ। हाँ यार तुम तो सही कह रही हो, एक बार मैं अपने पापा को बुलाता हूँ। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, ये मेरे पापा, मैं इनको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ये ब्लेजर ये आपने दिलाया ना, ये आप रखो। ये फोन भी मुझे इन्होंने ही दिलाया है, ये फोन भी आप रखो। और ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी भी आपकी है, गाड़ी भी आप रखो। आज तक इन्होंने मुझे जो जो दिलाया ना, मैं सब इनको वापस ले रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं इनको भी छोड़ रहा हूँ और इनकी दी हुई हर एक चीज को छोड़ रहा हूँ। कपड़े, ये कपड़े भी आप ले लो, लेकिन ये कपड़े अभी कैसे लड़की साथ में, रात को आ जाऊंगा घर सब कुछ दे दूंगा, गाड़ी ले जाओ कपड़े ले जाओ और जितनी भी जायदाद आपने मेरे नाम की सब आपको वापस दे रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं चाहिए बस मेरे को ये। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है, क्या लेकर तू आया जग में और आप मारे दिल में कमाया, मारे तन मन मारे रूह में सब जगह हो बाबू जी। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। तो मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा को भी छोड़ दिया, वो भी चले गए, अब तो हम लोग चले। बच्चा ही क्या है अब तुम्हारे पास चलने के लिए, ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना पैसा है, ना घर है, क्या करूँ अब मैं तुम्हारे साथ चल के? तुम लड़कियों का यही तो होता है, जब तक लड़के पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, तब तुम उन लड़कों के पीछे पड़ी रहती हो, और जैसे ही गाड़ी गई, पैसा गया, घर गया, तुमने तो मुझे धोखा ही दे दिया। जिस बाप को अभी 10 मिनट पहले मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा ना, वो मेरा भी उस चौराहे पे इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे गाड़ी बंगला पैसे से प्यार नहीं करता। जिंदगी में माफ नहीं होता कोई भी बाप, मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा बाप। तेरा